हरदोई के संडीला कस्बे में चौकी के पास रेडीमेड कपड़े के शॉप पर महिला ने सूट चोरी कर लिए। बड़ी सफाई से की गई इस चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस महिला कहां से आई है पता कर रही है। संडीला कस्बे में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर महिला द्वारा सूट चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार ने महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल कस्बे की पुलिस चौकी के पास सजल चक्रवर्ती की फैशन हाउस नाम से कपड़े व रेडीमेड की दुकान है। दुकान पर एक अज्ञात महिला बालिका के साथ सूट देखने आई और दुकान पर सूट व कपड़े देखने के बहाने महिला ने साथ आई बालिका के हाथ में झोले में सूट डालती रही और कुछ देर बाद दुकान से चली गई। कुछ देर बाद दुकानदार ने सूट गायब देखे तो उसके होश उड़ गए। दुकानदार सजल ने तत्काल दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो महिला चोरी करते दिखाई पड़ी, जिसके बाद सजल के साथ दुकान पर काम करने वाले लड़के चारों निकल पड़े और महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पकड़ी गई महिला सीतापुर की निवासी बताई जा रही है। दुकानदार सजल चक्रवर्ती के अनुसार लगभग 8 सूट चोरी किए हुए है। एएसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। महिला चक्रवर्ती फैशन हाउस संडीला में था, वहाँ पे खरीदने के बहाने से गई थी और सूट चोरी करने का उसने चोरी किया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उस महिला और उसके साथ एक बच्ची है, उसको पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। महिला अभी अपना नाम पता स्पष्ट रूप से नहीं बता रही है, छुपाने की कोशिश कर रही। पुलिस तथ्यों का पता लगाया कि उसका नाम पता ज्ञात करके उसके आपराधिक इतिहास को ज्ञात करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.